महानगर स्थित सेंट्रल न्यूज महाविद्यालय परिसर के क्रीडांगन में चल रहे आमंत्रण लीग कम नॉक आउट फुटबॉल प्रतियोगिता के चौथे दिन खेले गए मैच में चरगावा ने विलियंस क्लब को 4-0 से हराकर अंक बनाए। आपको बता दें, चरगावा और विलियंस क्लब के मध्य खेले गए मैच में शुरू से ही चरगावा विलियंस क्लब पर आक्रामक रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला फुटबॉल संघ के सचिव मोहम्मद हमजा खान ने कहा, मेरा नाम हमजा खान, फुटबॉल सेक्रेटरी गोरखपुर। फुटबॉल टूर्नामेंट है सेंट न्यूज कॉलेज पे, ये 13 तारीख से प्रारंभ हुआ और ये लगातार मैचेस चलते रहेंगे इस प्रांगण में। अभी आपके समक्ष जो मैच खेला जा रहा है वो चरगावा ए और विलियम क्लब के बीच है, जिसमें चरगावा की टीम ने 2-0 की बढ़त बनाए हुए है मध्यांतर के सेकेंड उसमें, और ये मैच आपके समक्ष है। कितने देर तक चलेगा ये समोता? ये 21 या 22 तक ये निश्चित किया गया, फाइनल 21 या 22 को उपलक्ष्य में रखा गया। ये उपलक्ष्य नहीं है, जिला फुटबॉल संघ के तत्वावधान में ये प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। इस वर्ष चूंकि कोविड की समस्या थी इसलिए विलंब से प्रारंभ हो सका है, नहीं तो आमतौर पर यह अगस्त और सितंबर में हो जाया करता था प्रत्येक वर्षों में, लेकिन इस वर्ष विलंब से शुरू गया और कोविड नियम को फॉलो करते ही ये प्रतियोगिता लीग कम नॉकआउट के आधार पर की जा रही है।